पंजाब किंग्स आईपीएल 2022 में एक बार फिर जीत की पटरी पर लौट आई है। पंजाब ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 54 रन से करारी शिकस्त दी। पंजाब ने जॉनी बेस्ट्रो और लियाम लिविंगस्टोन की दमदार पारियों की बदौलत 209 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में बैंगलोर की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स ने प्लेऑफ की रेस को और रोमांचक बना दिया है। अब पंजाब के 12 मैच में 12 पॉइंट हो गए हैं और वो दिल्ली के बाद छठे नंबर पर है। वहीं आरसीबी इतने ही मैच में 14 अंकों के साथ चौथे नंबर पर बरकरार है, लेकिन इस मुकाबले की हार ने उसके नेट रन रेट को बेहद खराब कर दिया है। ये पिछली 6 भिड़ंत में पंजाब के खिलाफ आरसीबी की 5वीं हार है। दूसरी ओर इस मुकाबले में अगर आरसीबी जीत जाती तो पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ का सफर बेहद मुश्किल हो जाता। ना केवल पंजाब बल्कि राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी चीजें आसान नहीं रहती। जॉनी बेयरस्टो ने 7 छक्के और 4 चौके के दम पर पंजाब को आक्रामक शुरुआत दिलाई। साथ ही लियाम लिविंगस्टोन ने 70 रन की शानदार पारी खेली। पंजाब किंग्स की पारी में 14 छक्के और 16 चौके जड़े गए। 148 रन सिर्फ बाउंड्री से ही बने। बेयरस्टो और लिविंगस्टोन की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद आरसीबी के लिए वानिंदु हसारंगा ने बीच के ओवरों में और हर्षल पटेल ने डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी की। हसरंगा ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 2 विकेट झटके। विकेट लेने के मामले में वो मौजूदा आईपीएल के सीजन में युजवेंद्र चहल की बराबरी पर पहुंच गए। दोनों के 23-23 विकेट हैं। हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट झटके। बल्लेबाजों के बाद पंजाब के बॉलर्स ने भी धांसू प्रदर्शन किया। कासिको रबाडा ने 3 विकेट चटकाए। ऋषि धवन, राहुल चाहर की झोली में 2-2 विकेट आए। हरप्रीत बरार और हर्षदीप सिंह ने 1-1 विकेट निकाले। अच्छी लय में नजर आ रहे विराट कोहली चौथे ओवर में 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो आरसीबी के लगातार विकेट गिरते ही रहे। ग्लेन मैक्सवेल ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। दोनों टीमों ने इस सीजन की शुरुआत आपसी भिड़ंत के साथ की थी। उस मुकाबले में भी रनों का अंबार लगा था, तब भी बाजी पंजाब के हाथ लगी थी। वहीं आरसीबी की इस हार से प्लेऑफ का समीकरण काफी उलझ गया है और प्लेऑफ की जंग अब और ज्यादा रोमांचक हो गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।